दोस्तों, अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट की, जिसमें स्टार्टिंग 2022 से क्रिप्टो मार्केट हमको अभी तक स्टेबल मार्केट नज़र नहीं आया। देखो, वो टाइम अलग था 2021 का, जिसमें हमने देखा था बिटकॉइन लास्ट 54 लाख तक जा पहुंचा था। उस टाइम का मार्केट यार, मतलब डंप मिलता था शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म का हमको पंप दिखाई देता था, कोई भी कॉइन की मैं बात करूँ तो। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉइन के बारे में। देखो, अभी के टाइम में ना सच में कोई भी कॉइन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मन नहीं रहता कोई भी होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी से बड़ी कॉइन है जो पोटेंशियल अपने आप में रखती है, कम्युनिटी स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट उसमें पंप नहीं नज़र आता। ऐसे में अब भी ये गिनी चुनी कुछ ऐसी कॉइन बच जाती है जिसमें शायद आप थोड़ा बहुत अभी इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला टाइम तो 2021 में दिया था, मे बी अगर 2022 में मिलता है प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे में इस वीडियो में गाइज मैं बात करूंगा आज शिबा इनू कॉइन के बारे में। देखो, ये जो कॉइन है इसको लेके दो बड़ी अपडेट है, और जैसे मैंने कल की वीडियो में बात किया था, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, तो इसके भी कुछ नए जो प्रोजेक्ट जो रिसेंट हमको अपकमिंग कुछ ही टाइम में देखने को मिलेगा, तो सब कुछ इस वीडियो में पता लगेगा। उससे पहले यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आएगी आपको, लाइक भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ये दो बड़ी अपडेट्स क्या है। देखो, सबसे पहली जो कि स्पेनिक्स टैक्सी कंपनी है, जो नोवा टैक्सी के नाम से, जिसमें अभी आप स्क्रीन पे देख पाओगे टैक्सी में शिबा इनू का लोगो लगाया जा रहा है, जिसमें एज अ पेमेंट शिबा इनू कॉइन से पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, हालांकि ये फॉरेन कंट्री में यूज़ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी धीरे धीरे इसका जो है स्कोप है बढ़ते जाएगा, काफ़ी जगह इसका यूज़ होने लग जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड अपडेट आ रही है, जो कि शिबा टेलीविज़न को लेके, शिबा टेलीविज़न का एक न्यूज़पेपर आने वाला है जो वीकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो डिटेल होने वाली जो अपडेट होगी शिबा इनू के जो फाउंडर तरफ से, जो वाइट पेपर से, जो लेटेस्ट और ट्रस्टेबल जो अपडेट है वह वीकली प्रोवाइड की जाएगी शिबा टेलीविज़न पे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप कोई कॉइन से एक अपडेट न्यूज़पेपर लॉन्च करो। हालांकि मुझे काफ़ी अच्छा फीचर्स लगा ताकि आप अपडेटेड रह सको, इंग्लिश लैंग्वेज और स्पेनिक लैंग्वेज ये दोनों में देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे टॉप 5 प्रोजेक्ट के बारे में शिबा इनू से निकल के आ रही, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये जो टॉप 5 जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्ट, जिससे इसका जो फ्यूचर है ब्राइट हो सके। हालांकि अभी के टाइम पे सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट और बड़ी अपडेट ये जो मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाने का काम कर रही है, ज़्यादा भी नहीं। तो चलो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिबेरियम को। देखो, सिबेरियम तो आपने सभी ने सुना होगा, ये अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेके आ रहा है। इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे अभी शिबा इनू काम कर रहा है, जब सिबेरियम आ जाएगा तो ये खुद के ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो गैस फीस है सिबेरियम की काफ़ी कम होगी कंपेयर इथेरियम की। इथेरियम में इनको अभी ज़्यादा देना पड़ रहा है, यही प्लान लेके आ रहे हैं कि हम अपनी ब्लॉकचेन में जो गैस फीस है वो कम रखेंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट, जो कि शिबा इनू कॉइन के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ मेटावर्स लैंड को लेके। देखो, अभी जो अपकमिंग इवेंट आने वाला है मेटावर्स को लेके, जिसमें 38,000 जो लैंड है वो सेल किया जाएगा। अब हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये एक ही इवेंट में सेल हो जाएगा 38,000, या तो फिर भैया दो तीन ऐसे इवेंट किए जाएंगे लैंड सेलिंग के लिए, आगे अपडेट में हमको पता चल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा शिबा इनू के लिए, जो मार्केट को ऊपर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। बात करते हैं थर्ड, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा आपके लिए, शिबा स्वैप 2.0 सेकेंड वर्जन आपने ज़रूर सुना होगा। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में कब तक मार्केट में ये आ जाएगा इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है कि ये कब लॉन्च कर दे, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन इस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये भी अपडेट सामने आई है। हालांकि देखते कब तक ये भी भैया आ जाए। उसके बाद फोर्थ जो सी कॉइन को लेकर, देखो ये जो सी कॉइन है शिबा इनू की ही कॉइन होने वाली है, लेकिन अभी ये अंडर प्रोसेसिंग में चल रही है, अभी तक मार्केट में देखने को नहीं मिली है, टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन प्रोसेसिंग की अपडेट सामने आ रही है। और मैं बात कर रहा हूँ फिफ्थ नंबर का जो प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है वेल्स को लेकर। देखो, वेल्स की एंट्री बहुत बड़ी हो रही है, यहाँ पर मैं अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। 54% जो वेल्स है शिबा इनू कॉइन को होल्ड करके रखा है। अपना पोर्टफोलियो में 54% कॉइन रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी स्क्रीन पे आप देख पाओगे कितनी कॉइन उन्होंने अपने वॉलेट में रखा हुआ है। और ये वेल्स ने एंट्री क्यों ली है, अभी पता है आपको, जो मेटावर्स का इवेंट आने वाला है, मतलब अपकमिंग जो 38,000 मैंने जो लैंड बताया सेलिंग में,
इसी को लेके यहाँ पे सीबा क्वाइन को होल्ड करके रखा है, बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है, 54% आपका पोर्टफोलियो आप देख लिए यहाँ पे। तो यार मेरे हिसाब से अभी के लिए इस क्वाइन में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, मतलब स्टेबल ही नज़र नहीं आ रहा है, वो मार्केट में बुलिश नज़र नहीं आया। होता है 10-5% बुलिश देखने को मिलता है, फिर से अपने को एक ही जोन में नज़र आ रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट कुछ बड़े अपडेट्स, कुछ न्यूज़ आती है जिससे क्वाइन थोड़ा प्रॉफिट देके जाता है। मैं अभी ये कह सकता हूँ क्योंकि एज अ पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है सीबा इनू में, उसके साथ साथ कुछ बड़े प्रोजेक्ट ला रहा है, तो थोड़ा बहुत SIP के ज़रिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में तो थोड़ा प्रॉफिट आपको देके ही जाएगा, अगर और ज़्यादा लॉन्ग रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा भी प्रॉफिट देगा। दोस्तों बस अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है यार एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।